हमारे देश में मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है, अच्छी बात है। साल में एक दो बार परिवार के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में टूरिस्ट के रूप में भी जाते हैं, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज ऐसे सभी परिवारों से आग्रह करता हूं, देश के लिए, जब देश आजादी का 75 साल मना रहा है, तब देश के लिए इतने महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं, तब जिंदगी खपा दी है, तब क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संतान भी हमारे देश की बारीकियों को समझे? कौन मां बाप नहीं चाहेगा कि हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी भावात्मक रूप से इस मिट्टी से जुड़े, इसके इतिहास से जुड़े, उसके हवाओं से, उसके पानी से नई ऊर्जा प्राप्त करे? यह हमने प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हम कितने ही आगे बढ़े लेकिन जड़ों से कटना हमें कभी भी बचा नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। और इसलिए जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे? वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। हम बच्चों को आदत डालें, यही हमारा देश है, और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्थाएं विकसित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 ऐसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप न करें? क्यों हर राज्य में 2 या 5 या 7 टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार टारगेट करके तय करें, और हम तय करें? हमारा नॉर्थ ईस्ट इतनी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जो अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट को बनाती है? ज्यादा कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है, आप तो 7 दिन 10 दिन निकालते ही हैं, लेकिन देश के भीतर ही निकालिए, आप देखिए, आप जहां जाकर के आएंगे वहां नई दुनिया खड़ी कर करके आएंगे, बीज रोपित करके आ जाएंगे, और जीवन में आपको भी संतोष मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग जाना शुरू करें तो दुनिया के लोग भी आना शुरू करेंगे। हम दुनिया में जाएंगे और कहेंगे कि आपने वो देखा है, कोई टूरिस्ट हमको पूछेगा कि भाई आप हिंदुस्तान से आ रहे हो, आपने तमिलनाडु का वो टेम्पल देखा है? और हम कहेंगे नहीं, मैं नहीं गया, तो वो हमें पूछेगा, अरे कमाल हो, मैं तो तुम्हारे देश में तिरुपति तमिलनाडु के मंदिर देखने चला गया था और तुम यहां देखने आए हो। हम दुनिया में जाएं, अपने देश को जान करके जाएं, हम इस काम कर सकते हैं।